नमस्ते जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी को आपके चैनल कुक विद मीनाक्षी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी क्रीमी डेलीशियस मैंगो केसर कुल्फी की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम इस मटका कुल्फी को बहुत ही आसान तरीके से घर पे रखे हुए बेसिक चीज़ों से बनाएंगे, वो भी बिना गैस जलाए और बिना पकाए। ये कुल्फी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी बनता है फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से भी बना के देखिएगा फ्रेंड्स, आप मार्केट का कुल्फी खाना ही भूल जाएंगे। आपको ये कुल्फी कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना फ्रेंड्स, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मैंगो कुल्फी बनाने के लिए हमें चाहिए एक आम, मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का आम लिया है, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, चीनी पाउडर, मैंने पहले से ही चीनी को पीस कर उसका पाउडर बना लिया है, आप चाहे तो बिना पीसे भी चीनी को ले सकते हैं, 200 ml फ्रेश क्रीम लिया है, आप घर का मलाई भी ले सकते हैं पर ताज़ा होना चाहिए, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर वाला दूध लिया है। चलिए अब हम कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम आम का छिलका निकाल कर उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके रख लेंगे। मैंने यहाँ पे आम का छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है छिलका निकाल कर। अब हम इसको एक ब्लेंडर जार में डालेंगे। आम को पहले एक बार ब्लेंड कर लेंगे, उसका प्यूरी बना लेंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपका आम ज़्यादा ही मीठा है तो फिर आप कम चीनी डालिएगा, और आपका आम थोड़ा कम मीठा है तो आप थोड़ा चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। पहले मैं अभी 5 टेबलस्पून चीनी डाला है। 1 कप यानी कि 200 ml फ्रेश क्रीम डालेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे आम के साथ। अब हम ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। फाइनल स्टेप करने से पहले एक बार आप मीठा ज़रूर चेक कर लीजिएगा इस स्टेज पे। मुझे यहाँ पे मीठा थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने और 3 टेबलस्पून चीनी डाला है। एक बार और फिर से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में खाली कर लेंगे। एक बार अच्छे से बीट कर लेंगे। केसर वाला दूध डालेंगे, 3 टेबलस्पून दूध है ये। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी कुल्फी की मिक्सचर पूरी तरह तैयार है। ऐसे रखिएगा फ्रेंड, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। कुल्फी मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा और दूध मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे मटका कुल्फी बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटे छोटे कुल्हड़ में मिक्सचर को भर दिया है। कुल्फी वाले मोल्ड जो आते हैं उसी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से आम को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। अब मैं कुल्फी के मिक्सचर के ऊपर थोड़ा थोड़ा आम के टुकड़े को डाल दूंगी। जब हम कुल्फी खाएंगे और ये आम के जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे मुंह में आएंगे ना फ्रेंड्स, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा आलमंड को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे और इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। अब हम इस कुल्फी मोल्ड को एल्युमिनियम फॉइल या फिर क्लीनिंग रैप से अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना बने। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसे ही एक और मज़ेदार और रिफ्रेशिंग पान कुल्फी की रेसिपी मेरे चैनल में अपलोड है फ्रेंड्स, उस रेसिपी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम इस कुल्फी मोल्ड को 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 घंटे हो गए हैं। अगर आपका कुल्फी अच्छे से सेट नहीं हुआ है तो फिर आप रात भर के लिए इसको फ्रीजर में ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स,
कितना अच्छे से सेट हो गया है ये कुल्फी। कितना आसान है ना फ्रेंड्स ये मैंगो कुल्फी बनाना, एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। देखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। बहुत ही क्रीमी कुल्फी बनके तैयार हुआ है। अब आप इस डिलीशियस मैंगो कुल्फी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ऐसे ही नए नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय जगन्नाथ। थैंक यू।